गाइस ये है वीवो का भाई 12 सेट और आप देख रहे हो इस तरह से क्रैक हो चुका है। इसके पैच वगैरह मैंने निकाल लिए हैं और अभी इसकी हम करेंगे ओसीए, इसकी टच रिप्लेस करेंगे। सो पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अभी इसका टेम्परेचर पूरा हो चुका है तो अभी इसको अपन इससे उतार के इसकी बैटरी रिमूव करेंगे और इसके फोल्डर को बाहर निकालेंगे ओशिए करने के लिए। ओके मैंने ये जो कट है वो यहाँ पे एक सेपरेट टेप लगी होती है उसके लिए लगाया है, पत्ते पे नहीं। अभी हम कॉम्बो को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, एक ऐसी एक पन्नी रखनी है अपने पास जो पुरानी ओसीए की बची हो और उससे इसको उतार लेना है। आपको कॉम्बो बहुत ही सावधानी से उतारना पड़ेगा इससे, ताकि कोई कांच वगैरह आपके डिस्प्ले को डैमेज ना कर दे। अभी हमारा कॉम्बो जो है वो क्रोम से बाहर निकल गया है तो क्रोम को साइड पे रखेंगे और इस कॉम्बो के जो साइड में ये जो कांच है उसको अपन उतार लेंगे। दोस्तों हमने कॉम्बो को अलग कर लिया है, अभी इस कॉम्बो के ऊपर अपन को टेप से टेपिंग करनी है ताकि ये जो कांच है जो अपन उतारें तो ये बिखरे नहीं और डिस्प्ले को कोई डैमेज ना आए। ठीक है तो अभी हम इसके ऊपर टेपिंग करते हैं। तो दोस्तों बड़ी ही सावधानी से अपने को डिस्प्ले के साइज़ की लगभग टेप को निकालना है और वो जहाँ पे अपना कांच ये क्रैक है उधर अपने को इस टेप को अप्लाई करना है ताकि अपना जो कांच है वो बिखरे नहीं और डिस्प्ले को कोई प्रकार का कोई डैमेज ना आए। और ध्यान रहे टेपिंग करते समय टेप
के अंदर बबल बिल्कुल भी नॉर्मल जैसे रहे वो तो रहेंगे, लेकिन ज़्यादा बबल ना रहे ताकि जो अपना ये सेपरेटर है वो वैक्यूम पूरा बना ले। अगर हवा ज़्यादा रहेगी टेप के अंदर तो ये वैक्यूम नहीं बना पाएगा, वो भी एक रीज़न रहता है। अभी जैसे ये मैंने स्टॉपर लगाया लेकिन हवा रह गई थी, अभी इसको एक्स्ट्रा को पड़ा रहने दो और जो नेक्स्ट साइड है उस पर भी अपन टैपिंग करेंगे। अभी अपने को ये जो एक्स्ट्रा टेप है अपनी वो इसकी कनौर से निकाल लेनी है और इस तरह निकालनी है कि ये जो कटर है वो डिस्प्ले के अंदर बैठे नहीं। अभी ये निकल चुका है, अभी अपने को इसी सेपरेटर के ऊपर रखना है और इसकी वैक्यूम बनानी है। अभी इसकी वैक्यूम बन गई है तो अपने को ये जो वायर है मैकेनिक का हम रखते हैं 1 mm का, वो सॉरी 100 mm का, तो इसी से अपने को इसका निकालना रहेगा और बिल्कुल साइड में से होके अपने को इसके अंदर ये तार घुसाना है ताकि इसकी फिल्म वगैरह ना फटे। अपने को बारीकी से ये काम करना है ताकि कोई कांच डिस्प्ले के अंदर ना जाए और ना ही डिस्प्ले को किसी प्रकार का नुकसान हो। और अगर ये तार जो अपन लगा रहे हैं वो आसानी से चल रहा है तो सोचो कि सही हो रहा है, अगर थोड़ा भी फंसे तो इसके ऊपर जोर नहीं लगाना, इस तार को वापस निकाल लिया करो ताकि अपना जो डिस्प्ले है वो डैमेज नहीं होगा। अभी अपना ये जो डिस्प्ले है वो निकल गया है और इसके ऊपर पुरानी ओसी का जो ये ग्लू लगा हुआ है उसको अपन सही से साफ कर लेंगे। किसी के पास मोटर होती है तो उससे साफ कर ले, वरना ऐसे धीरे धीरे गर्म करके आराम से पूरा सही से क्लीन कर ले ताकि इस डिस्प्ले को चेक करें तो इसका टच वर्किंग प्रॉपर रहे। बिल्कुल हल्के हाथों से अपने को ये काम करना है, अगर ज़्यादा आप दबाव डालोगे इसके ऊपर तो हो सकता है अपनी जो डिस्प्ले है वो डैमेज हो जाए
का कुंभों का अपने को खर्च उठाना है। ये थोड़ा चिपकने लगा है तो ये जो ब्रोकन ग्लास है वो अपन साइड में रखेंगे और इसके ऊपर स्प्रेटर के ऊपर रखकर अपन थोड़ा थोड़ा डिस्प्ले को गर्म कर करके ये ग्लू है वो निकालेंगे। अगर ये आपके ज़्यादा चिपकने लगे तो आप थोड़ा गर्म कर लो जिससे ये आसानी से निकलता रहेगा। देखो जैसे जैसे ये गर्म हो रहा है बिल्कुल सही से उतर रहा है। ये मैंने कपड़ा इसलिए रखा है क्योंकि अंगूठी जरूरी थी। अभी ये लगभग अपने डिस्प्ले का ग्लो निकल गया है लेकिन इसको सही से साफ करने के लिए अपन यूज करेंगे फॉल्कन का। आप कोई भी ऐसा कपड़ा लो उस पर थोड़ा सा फॉल्कन लगाओ इसको अच्छे से साफ करो। बिल्कुल हल्का दबाव रख के अपने को इसको साफ रखना है और साफ रखते वक्त ये जो मेट रहती है इसको अपने को उसके नीचे रखना है। अपने को दबाव है वो
डिस्प्ले कर सके। दोस्तों अभी हमने इस डिस्प्ले का टोटल सारा ग्लू निकाल लिया है और अच्छे कपड़े से इसको एक बार फिर से साफ भी कर लिया है। अभी अपन अपने इस डिस्प्ले को चेकआउट करेंगे कि सही से उतर गया है या नहीं। तो अपन अपना पुराना मदरबोर्ड लेंगे और इसके अंदर बैटरी कनेक्शन डालेंगे, जो अपना बैटरी था। ये बैटरी अपन ने लगा दिया है, लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो अभी नहीं करेंगे। अपन सबसे पहले अपनी जो डिस्प्ले है उसका कनेक्शन करेंगे, ताकि इसके अंदर जो डिस्प्ले आईसी हो वो शॉर्ट ना हो। अपन ने डिस्प्ले का कनेक्शन कर दिया और अभी अपन ने बैटरी का कनेक्शन कर दिया, और इसके बाद में अपन सेट को करेंगे ऑन। अभी अपना सेट ऑन हो गया है और अपन अपनी जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल ओके लग रही है। अभी अपन इसका टच का टेस्ट करेंगे जब ये पूरा ऑन हो जाएगा। अभी अपना सेट जो है वो ऑन हो रहा है और अभी अपन इसका इमरजेंसी के अंदर जाके ये देखिए, ये अपन जैसे जैसे टच को वर्क करवा रहे हैं वैसे वैसे ये टच वर्क कर रहा है। और फ़ोन अपना फोकस छोड़ चुका है, पता नहीं क्यों। हाँ ये देखिए, तो कुल मिला के अपना जो ये डिस्प्ले है वो बिल्कुल ओके कंडीशन है। ये देख सकते हो आप। तो अभी अपन इसका जो OCA ग्लास होता है वो अपन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसके अंदर OCA ग्लास फिट करने से पहले अपने को ये देखना होगा कि ये जो क्रोम है अपनी, जिसके अंदर अपन डिस्प्ले और डिस्प्ले को बैठा के इसका कॉम्बो बनाएंगे, तो ये अपना प्रॉपर साफ रहना चाहिए ताकि सही से बैठ जाए। ये देखो, ये यहाँ पे एक कांच जैसा है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो रिमूव करने वाली है इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, ताकि अपना जो OCA है वो सही से इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो अभी अपन इसको साफ़ करेंगे। इसको साफ करने के लिए अपन को ज़्यादातर मैं कटर का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि वो एकदम डीप क्लीन कर देता है एक बार में ही। तो ये जो इसका वेस्टेज है वो अभी सारा निकल जाएगा और अपना जो ग्लास है वो सही से अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, ये जो वेस्टेज है इसके कारण भी कई बार अपन जो OCA अप्लाई करते हैं वो थोड़ा बहुत टेढ़ा रह जाता है, सही से फिट नहीं हो पाता, तो उसके वजह से कस्टमर का कंप्लेंट आता है कि भैया ये इधर से इसकी लाइट दिख रही है वगैरह वगैरह। अपने को वो चीज़ें नहीं रखनी, बिल्कुल नीट क्लीन काम।
अपने पास ये WD कंपनी का एकदम प्रीमियम वॉशिंग ग्लास है, तो ये देखिए बिल्कुल एकदम फिट आएगा। अभी अपने को डिस्प्ले को इसके ऊपर रखना है, तो अपन अपना जो डिस्प्ले है वो क्रोम के अंदर फिट कर लेते हैं। सही से फिट करना है, उसके बाद में इस पत्ते को पूरा लगा के। अभी अपने को क्या करना है, सबसे पहले डिस्प्ले के ऊपर जो अपने हाथ लगे हैं तो उनको अच्छे से साफ करना है, ताकि वॉशिंग लगाने के बाद में ये ना रहे कि अपना हाथ लग गया था और वहाँ से ये अपना टच का ऑटोग्राफ हो गया। तो अच्छे से इसको साफ करना है और कोई धूल मिट्टी ना रहे उसका भी बिल्कुल ध्यान रखना है। बिल्कुल क्लीन कपड़े से इसको भी क्लीन रखना है। जो पंखा वगैरह कूलर वगैरह चल रहा होता है उसको आप बंद करके बिल्कुल अच्छे से इसको साफ करना है। इसके बाद में जब ये साफ हो जाए अपन को अपना वॉशिंग ग्लास लेना है। और उसके ऊपर जो ये पन्नी रहती है वॉशिंग के ऊपर, इस पन्नी को बिल्कुल हल्के से रिमूव करना है और इसको साइड में रख के डिस्प्ले को सेट करके और अच्छे से बिल्कुल देख के कि हाँ भाई सही से बैठ रहा है क्या, और बिल्कुल आराम से इसको इसके ऊपर रख देना है। बाद में अपन अपना कॉम्बो निकाल लेंगे और इसको, अगर आपके पास पंचिंग मशीन है तो उससे, अदरवाइज आप इसको हाथ से भी पंच कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे हाथ से इसकी पंचिंग कर रहा हूँ। अभी दोस्तों इसकी बिल्कुल पंचिंग हो चुकी है। अभी अपन इसको बबल रिमूवर के अंदर सेट करेंगे, ताकि इसका जो ये अभी थोड़े बहुत बबल्स रहे हैं वो भी रिमूव हो जाए। तो इसको अपन को ऐसे अपने बबल रिमूवर के अंदर रखना है। तो दोस्तों मैंने इसको बबल रिमूवर के अंदर रख दिया है और इसका दरवाज़ा बंद करके इसको चालू कर दिया है, और नीचे से टंकी का बाल ओपन करके और इसको भी चालू कर दिया। अभी ये 5 मिनट लेगा, उसके बाद में अपना कॉम्बो बिल्कुल तैयार है और इसको पेस्ट करना बाकी रह जाता है। सो गाइज, अपना जो कॉम्बो है वो तैयार हो चुका है। इसके अंदर का पूरा बबल्स है जो रिमूव हो चुका है, तो अभी अपन इसको पैक करेंगे।
गाना ना चलाओ रे कॉपीराइट आ गई। दो आप देख सकते हो कि पहले ही किस हालत में था और अभी किस हालत में है। अभी इसके ऊपर आप रबिंग मेरा मतलब है कि रबड़ लगा दोगे और उस रबड़ को कम से कम 2 से 3 घंटे रखोगे तो आपका फोन है जो यूजेबल हो जाएगा और बड़े ही अच्छे तरीके से इसको आप यूज में ले सकते हो और अपना कॉम्बो है जो बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगा और उतरेगा नहीं। तो जैसे मैंने रबड़ लगाए हैं वैसे ही आप लगाना ताकि हर कोने से अपना जो कॉम्बो है वो सही से बैठ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये देखिए पहले ऐसा था अभी ऐसा हो गया है और बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग के अंदर है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज़ आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए।